नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का ये वीडियो है शनि ग्रह के वक्री होने की ट्रांजिट के बारे में। 11 मई 2020 को सुबह 9:40 को शनि वक्री होंगे मकर राशि के अंदर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जो कि 29 सितंबर 2020 तक चलेंगे सुबह 10:43 इंडिया टाइम पर। यह शनि ग्रह का वक्री होना कैसा फल देने वाला होगा प्रत्येक राशि में जन्मे हुए जातकों को, प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को, उसके साथ साथ ये कैसा इफेक्ट करने वाले होंगे हवामान के ऊपर, कैसा इफेक्ट होगा अर्थव्यवस्था के ऊपर, ये शनि ग्रह के ट्रांजिट के बारे में बात करते हैं। तो शनि ग्रह जो ये 11 मई को वक्री हो रहे हैं सुबह 9:40 को, ये शनि जो है अभी ऐसे चलते हैं, जो शनि है ये ऐसे चलते हैं, लेकिन शनि का जो रोटेशन है ये एकदम स्लो हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा, जैसे ऐसे ये मोमेंट था कि शनि एकदम फास्ट चल रहे थे, जो जो ये करंट सिचुएशन है, लेकिन वक्री होने के बाद शनि एकदम स्लो मोशन करेंगे, एकदम धीमी गति से भ्रमण करेंगे। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उल्टा नहीं चलता है। ये एक गलत फहमी है कि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उल्टा घूमने का शुरू कर देता है। ये एक गलत सोच है। ग्रह वक्री होते हैं तो वो मोशन बहुत स्लो हो जाती है, इसकी जो धरी के ऊपर घूमने का जो मोशन होता है वो एकदम स्लो हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो ग्रह का प्रभाव होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो शनि का जो प्रभाव है उसमें क्या है कि शनि नेगेटिव इफेक्ट करने वाले, ज्यादातर नेगेटिव इफेक्ट करने वाले ग्रह है, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं जिस स्थान के अंदर कुंडली में, इसको ये प्रबल कर देते हैं, लेकिन जहां पर ये दृष्टि करते हैं उसको ये डैमेज कर देते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम राशि मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो मेष राशि वाले जो जातक हैं इनके लिए शनि 10वें स्थान में चल रहे हैं। अब बिजनेस में, कैरियर में जब शनि वक्री होंगे तो ये धीमी गति से आपका प्रोग्रेस करने वाले होंगे। फास्ट फॉरवर्ड में जैसे हम एकदम फास्ट मोशन में दौड़ते हैं, तो कई कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई चीज छूट जाती है। तो जब हम धीरे चलते हैं तब हम कुछ जो भी छूट जाता है उसको हम फिर से पिकअप कर सकते हैं। तो ऐसा ये कर्म स्थान के अंदर आपको, कैरियर के अंदर, खास करके बिजनेस कैरियर के अंदर प्रोग्रेस करवाने वाले होंगे ये। और साथ साथ बिजनेस कैरियर के साथ साथ जो दृष्टि नेगेटिव है, 12वें स्थान में शनि की दृष्टि है, तो 12वें स्थान में शनि की दृष्टि, पावरफुल दृष्टि के कारण क्या होगा कि आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो गया होगा, सेविंग आपका कम हो गया होगा। तो ये शनि जो 12वें स्थान में दृष्टि करेंगे वक्री होकर, ये यहाँ पर भी थोड़ा सा कम इफेक्ट करेंगे, जिसके कारण सेविंग में भी आपके धीमी गति से वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कार्य जो भी आप करना चाहते हैं तो वो भी आपके धीमी गति से शुरू होगा। लेना बेचना कुछ भी करना चाहते हैं, और यदि आप रियल एस्टेट के बिजनेस के साथ कनेक्टेड हैं तो भी आपके कामकाज के अंदर धीरे धीरे प्रगति, प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। और वैवाहिक जीवन के अंदर, मैरिटल लाइफ के अंदर भी आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा ये शनि वक्री होने के बाद। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाला जो जातक है इनके लिए शनि भाग्य स्थान के अंदर चल रहे हैं, तो भाग्य में धीमी गति से वृद्धि होगी वक्री होने के बाद। और मित्रों के साथ रिलेशन में यदि तनाव आ गया है, बिजनेस में भी बहुत स्लो हो गया है, कुछ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो धीमी गति से आपके बिजनेस के कैरियर के अंदर भी प्रोग्रेस होगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशन में यदि तनाव आ गया है तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता दिखेगा। आपके ब्रदर सिस्टर्स के जो काम रुके हुए हैं वो भी आपके हो जाएंगे, और रोग शत्रु पर ये आपको विजय देने वाले बनेंगे। और मैटरनल साइड के यदि साथ रिलेशन खराब है मामा मौसी के साथ, तो उसमें भी आपको धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा।
क्योंकि जब फास्ट होता है तो उग्र ग्रह दृष्टि ज्यादा उग्र हो जाती है, वो खराब कर देती है, उसके कारण जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मिथुन राशि, तीसरी राशि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो ये चलेंगे, शनि अष्टम स्थान में ही चलेंगे, अष्टम स्थान में से शनि आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हैं। जो अभी ये मोशन फास्ट हुआ था तो उसमें आपके बिजनेस करियर को जबरदस्त एक धक्का लगा है और करियर आपका बहुत स्लो हो गया है, बिजनेस आपका स्लो हो गया है। अब ये शनि वक्री होंगे जिसके कारण क्या होगा कि बिजनेस करियर आपका धीरे धीरे शुरू होगा, फिर से करियर में कुछ नया इंप्रूवमेंट मिलेगा, जॉब करने वाले जातकों को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपर लेवल से सपोर्ट मिलेगा जो अब तक नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि शनि की पावरफुल दृष्टि थी तीसरी 10वें स्थान के अंदर, कर्म स्थान के अंदर। फादर का भी सपोर्ट नहीं मिला होगा तो ये भी आप धीरे धीरे आप फादर भी आपके फेवर में होते जाएंगे और जॉब में अपर लेवल से भी अप्रिसिएशन होगा और बिजनेस करियर धीमे धीमी गति से आपका फिर से चालू होगा। तो ये एक मेन ट्रांजिट है। फैमिली मेंबर्स भी आपके अगेंस्ट में पड़े होंगे, वो भी आपके फेवर में आते जाएंगे और फाइनेंस में भी इम्प्रूवमेंट होगा। संतान रिलेटेड भी आपके कार्य जो कुछ रुके हुए हैं वो भी आपके धीरे धीरे होना शुरू होगा। तो सब जगह पे बिजनेस में, करियर में, लव मैटर में, संतान रिलेटेड मैटर के अंदर, एजुकेशन में, पढ़ाई के अंदर जो रुकावट डिस्टर्बेंस बताई आ रही थी वो भी अब धीरे धीरे इम्प्रूव होती दिखेगी। तो आपके लिए ये एक खुशी की बात है कि कामकाज में वृद्धि होगी और धीमी गति से वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि होगी वो निश्चित है। शनि चौथी राशि कर्क राशि वाले जातकों को कैसा फल देंगे? कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि भाग्य स्थान के अंदर दृष्टि करेंगे जो भाग्य में धीमी गति से वृद्धि करेंगे, लेकिन अब तक जो फास्ट दृष्टि थी जिसके कारण बहुत रुकावट आपने महसूस किया होगा, अब वक्री होने के बाद भाग्यों में फिर से वृद्धि होना चालू होगा, धीमी गति से भाग्य में वृद्धि होगी। जो कुछ भी काम आपके अटके हुए थे वो आपके धीरे धीरे चालू होंगे, आपके पार्टनर आपको सपोर्टिव बनेंगे। मकान वाहन प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य रुक गया होगा या रुक गया था तो वो अब धीरे से इम्प्रूव होगा और आपका काम हो जाएगा। सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं इनके लिए शनि चल रहे हैं पंचम स्थान के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर की ओर से ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस आया होगा, तो ये अब आपको सपोर्टिव बनेंगे। शनि वक्री होने के बाद आपके फेवर में काम करेंगे। आपको आपके मित्रों के साथ भी रिलेशन में तनाव आया होगा तो वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होता है। मित्रों से भी आपको लाभ मिलना चालू होगा, फिर से सपोर्ट मिलेगा, फैमिली मेंबर्स की ओर से सपोर्ट मिलेगा, तो ये सब जगह पे आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। कन्या राशि वाले जो भी जातक हैं इनके लिए शनि चौथे स्थान के अंदर है, जो चौथे स्थान के अंदर सिंह राशि वाले जो जातक हैं इनके लिए शनि का जो ट्रांजिट है ये छठवें स्थान के अंदर है। माफी चाहते हैं, प्रिडिक्शन फिर से होगा सिंह राशि का। सिंह राशि वाले का जो प्रिडिक्शन है इस प्रकार होगा कि शनि आपके छठवें स्थान के अंदर है जिसके कारण आपको इन लॉस की ओर से प्रॉब्लम आई होगी, गुप्त भाग में, गुप्त दर्द में पीड़ा होने की संभावना हुई होगी या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये सब में धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जब शनि वक्री हो जाएंगे 11 मई के बाद आपकी सेविंग में भी वृद्धि होगी, धीमी गति से बचत में वृद्धि होगी और फैमिली मेंबर्स में या तो ब्रदर सिस्टर रिलेशन में जो तनाव आया होगा वो भी आपका इम्प्रूव होगा, क्योंकि शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके तीसरे स्थान के अंदर होगी। अब बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि पंचम स्थान के अंदर होंगे। पढ़ाई में डिस्टर्बेंस, रुकावट जो कुछ भी होगा वो अब फिर से स्टार्ट होगा। शनि वक्री होकर फिर से आपको ये इम्प्रूव करवाएंगे। लव मैटर में डिसअपॉइंटमेंट होगी तो फिर से आपका लव वन का मिलना होगा। पढ़ाई में जो भी रुकावट है वो भी आप यहाँ पर खत्म होती हुई आपको देखने को मिलेगी। मित्रों के साथ रिलेशन में तनाव आया होगा तो वो भी इम्प्रूव होगा। रिलेशन में जो भी जब तक विवाहित है, मैरिड है, उनको कुछ अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में है प्रॉब्लम, तो भी आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि वक्री दृष्टि इतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी सीधी दृष्टि पावरफुल होती है, इतनी खराब करने वाली नहीं होती है। और फैमिली मेंबर्स भी आपके लिए सपोर्टिव बनते हुए देखेंगे। फाइनेंस में भी आपके इम्प्रूवमेंट होगा,
तो शनि वक्री होने के बाद आपके लिए इम्प्रूवमेंट लाएंगे ये सब सेक्टर के अंदर। तुला राशि, राशि चक्र की सातवीं राशि तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य शनि चलेंगे चौथे स्थान के अंदर, तो प्रॉपर्टी मकान वाहन इत्यादि के कोई कार्य आपके रुक गए हैं या छूट गए हैं तो ये अब आपके होने वाले हैं। मकान वाहन प्रॉपर्टी लेना बेचना कुछ भी करना चाहते हैं तो आपका काम हो जाएगा। रोग शत्रु पर आपको विजय मिलेगा, फादर से सपोर्ट मिलेगा, जॉब में अपर लेवल से सपोर्ट मिलेगा, जो अब तक आपके अगेंस्ट में होंगे वो अब आपके फेवर में आने लगेंगे, और जो कुछ भी कार्य में आपके रुकावट आ रही होगी वो अब धीरे धीरे आपको इम्प्रूव होती हुई देखने को मिलेगी। तो शनि वक्री होने के कारण आपके लिए फायदा है, भले शनि आपके चौथे स्थान के अंदर है लेकिन धीमी गति से आपके कार्य में प्रोग्रेस करवाने वाले होंगे। वृश्चिक राशि, जल तत्व की आठवीं राशि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि पराक्रम स्थान के अंदर है। साहस भुवन के अंदर आपको अदम्य साहस करने की इच्छा करवाने वाले शनि आपके लिए शुभ फल देने वाले होंगे। जो कुछ भी रुक गया है, साहस में रुकावट आ रही है, अब यहाँ पर आपके डिस्टरबेंस खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। संतान रिलेटेड आपके कार्य जो कुछ भी रुक गए हैं वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, संतान रिलेटेड आपके कार्य हो जाएंगे। और फिर भी आपको शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि का कोई कार्य नहीं करना है। भाग्योदय में जो रुकावट आप महसूस कर रहे थे वो भी आपके इम्प्रूव होती हुई देखने की मिलेगी। और 12वें स्थान में शनि की दृष्टि होने के कारण धीमी गति से आपकी सेविंग में भी वृद्धि होगी, बचत होगी। धनु राशि, राशि चक्र की नौवीं राशि धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि धन स्थान के अंदर होंगे, जो कुटुंब सुख एवं धन सुख में वृद्धि करने वाले होंगे। और साथ साथ आपके 8वें स्थान में दृष्टि होने के कारण इन लॉस के साथ यदि आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आए हैं तो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मित्रों के साथ भी यदि रिलेशन में तनाव आया है तो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जो भी जातक है इनके लिए शनि फास्ट चलने के कारण आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या पता नहीं क्यों क्यों करेंगे, कैसा करेंगे, कुछ समझ में आपको फास्ट मोशन के अंदर नहीं आया होगा। तो अब ये शनि अब जब वक्री हो रहे हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे वाला जो काम है वो आपको कैसे करना है। ब्रदर सिस्टर रिलेशन में भी यदि तनाव आया था, यदि न्यू वेंचर में तनाव आया था तो यहाँ पर आपके इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और सक्सेस मिलेगा। पार्टनर्स भी आपको सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि या जब शनि मार्गित है तो आपको पार्टनर्स के साथ भी रिलेशन में तनाव आया होगा, ऐसी कोई संभावना थी। तो अब ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और बिजनेस कैरियर के अंदर भी आपको प्रोग्रेस होता हुआ देखने को मिलेगा। राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि, तो कुंभ राशि वाले जो जातक है इनके लिए शनि 12वें स्थान के अंदर चल रहे हैं, तो 12वें स्थान में शनि वक्री है जिसके कारण एक्सपेंसेस फास्ट जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब पैसा जा रहा है। तो अब शनि वक्री होंगे तो जिसके कारण क्या है कि जो जाने का जो इफेक्ट है वो कम होगा, धीरे धीरे जाएगा पैसा, फास्ट मूविंग नहीं होगा। फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो दृष्टि जो है वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी वक्री होकर, तो फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपका इम्प्रूवमेंट होगा, रिलेशन फाइनेंस में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। रोग शत्रु पर आपको विजय देने वाले बनेंगे और भाग्योदय में भी जो आप रुकावट महसूस कर रहे थे ये अब आपका थोड़ा खत्म होता दिखने को मिलेगा और गुड लक स्टार्ट करता है आपका। तो शनि आपके लिए इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं। और राशि चक्र की 12वीं राशि जल तत्व की राशि मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि 11वें स्थान के अंदर है, जो लाभ स्थान के अंदर है, लेकिन लाभ स्थान के अंदर फास्ट रोटेशन के अंदर जो लाभ मिलना था या कुछ चूक हो गई थी या चूक गए थे कुछ, तो ये शनि फिर से इसको इम्प्रूव करके पीछे लाने वाले हैं। तो जो लाभ मिलने का रह गया था वो लाभ आपको फिर से लौट के आने वाला है। तो इसके साथ साथ ये आपके संतानों के साथ रिलेशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा।
हर कार्य में जो रुकावट आ रही थी, बाधा आ रही थी, वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। रिलेशन में आपको अपने इन लॉस के साथ भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये शनि जो वक्री होने वाले हैं 11 मई 2020 को सुबह 9:40 को इंडिया टाइम पर, ये चलेंगे 29 सितंबर 2020 सुबह 10:43 तक इंडिया टाइम पर। ये शनि वक्री जो बिजनेस कैरियर जिनके भी बंद हो गए हैं कारोबार, ये धीमी गति से इम्प्रूव करने वाले होंगे, खोलने वाले होंगे। और नए जो जिनके जो भी जातक जॉबलेस हैं, इनको भी जॉब में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। धीमी गति से कामकाज में सबकी वृद्धि होगी। शनि ग्रह की शांति के लिए क्या करना है, सिंपल है। शनि ग्रह की शांति के लिए हर शनिवार को गरीब लोगों में तेल का दान करना है, हनुमान जी की विशेष उपासना करना है और मंत्र करना है, ओम नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमग्रजम छाया मार्दन संबोतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि ग्रह से डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। शनि जो के काम करवा के, मेहनत करवा के इसका फल देते हैं। जो कोई भी जातक काम करने के लिए उत्सुक है, मेहनत करने के लिए उत्सुक है, इनके लिए शनि का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शनि, फिर भी शनि ग्रह का कुछ आपको प्रॉब्लम है तो हनुमान जी की विशेष उपासना करिए। शनि का मंत्र आपको बताया वेदों, ये मंत्र आपसे करना पॉसिबल ना हो तो सिंपल मंत्र आप कर सकते हैं, ओम रिम क्लीम शनिश्चराय नमः या तो शनि देवाय नमः। ओम रिम क्लीम शनि देवाय नमः, ये मंत्र भी आप कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए, पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम गूगल डुओ पर भी अवेलेबल हैं वीडियो कॉलिंग के लिए। तो यदि आप अपना कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन एब्सोल्युटली आप फ्री में पूछ सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आपके नाम के साथ व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप में ही आंसर कर देंगे। और यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो हॉरोस्कोप रीडिंग लिख के आप व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर इस प्रकार रहेगा, 9998011838। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि माध्यम से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का बटन दबा दीजिए ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। आप जहाँ भी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश, जय श्री कृष्ण।